वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी बी प्रो एजुकेशन। मैं आपका अपना डी आर एक्स विकास आप सभी का डी बी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने पिछली वीडियो में एम सी क्यू क्वेश्चंस जो कि 21 क्वेश्चंस हमने 22 के समथिंग हमने क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। सेल वाले चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे हमने प्रीवियस लाइव क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे, राइट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो सेल वाला टॉपिक है उसमें और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं। अभी टॉपिक वाइज हमने यह टॉपिक कवर किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें और भी टॉपिक्स बच रहे हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने एम सी क्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप सभी को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, हमने कौन कौन से टॉपिक किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया है, राइट। आज हम पढ़ेंगे वो सेल के डायग्राम से लेकर सेल के कौन कौन से न्यूक्लियस हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं और सेल में प्रजेंट रहती हैं, ठीक है। उनके बारे में कौन कौन से पार्ट्स हैं सेल के अंदर के, उनके बारे में सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, लाइव वीडियो क्लासेज, स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी आपको सबसे पहले मिल सके, राइट। तो डी बी प्रो एजुकेशन के साथ में आप ज़रूर जुड़े हैं ताकि आपको सारी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके, फ़ायदे के साथ साथ आपकी बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है दोस्तों। जो मैं आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ दोस्तों, ये बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स प्लस फार्मेसी पैरामेडिकल सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। और आपको एक सूचना और देना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो कर दो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना फ़र्ज तो बनता है कि एक वीडियो को लाइक कर दे, राइट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए फ्रेंड्स, बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के लिए एक न्यू लंच के नाम से राजस्थान बी एस सी नर्सिंग की एक ई बुक निकाली गई है हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की फैकल्टी की तरफ से, ठीक है। तो न्यू लंच सबसे बड़ी समस्या खत्म करेगी दोस्तों आपकी। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पहले तो ये जान लें अपन, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं, मॉडल पेपर नहीं मिल पाते हैं। सॉल्यूशन के लिए दोस्तों एग्जाम टाइम के एग्जाम होते हैं उसके नज़दीकी टाइम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज हल करना चाहते हैं ना, और वो टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर्स उनको सही ढंग से मिल नहीं पाते हैं। तो उन सभी थॉट्स पे विचार करते हुए दोस्तों उन सभी का मटेरियल हमने इकट्ठा किया है और उसके लिए एक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एक राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के लिए एक ई बुक निकाली गई है, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या है, आपको जो मटेरियल है वो मैं आपको बता दूँ क्या क्या मटेरियल है दोस्तों, एक मिनट। इसमें आपको मटेरियल मिलने वाला है, वो मिलने वाला है देखिए दोस्तों, बीएससी नर्सिंग 2024, ठीक है, राजस्थान बीएससी नर्सिंग 2024 के नाम से निकाली गई है। वैसे इसमें सारी स्टेट्स के, ऑल स्टेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों। प्रवेश पूर्व परीक्षा इसमें दोस्तों 15 तो प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। और 2010 से और 2023 तक के, कब से दोस्तों, 2010 से और 2023 तक के आपको सारे पेपर्स मिलेंगे जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर हुए हैं दोस्तों। करीब 14 ईयर के यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों, जो कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी डी बी प्रो एजुकेशन के द्वारा बनाए गए हैं, राइट दोस्तों। मोस्ट टेस्टेड ट्रस्टेड ये बुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनी है। इसमें पीसीबी सारे क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, राइट है। तो ये दोस्तों परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड कराई गई है। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। आपको मैंने नंबर मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं नंबर आपको दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर नंबर ले सकते हैं। नंबर है आपके 6377449372, ठीक है दोस्तों, 6377449372। इन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो आप। और अगर दोस्तों ये ई बुक आप परचेज़ करना चाहते हो
ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के लिए, ये दोस्तों सारी स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन नंबर्स पर, जो आपको नंबर मैंने मेंशन कर रखे हैं, इन नंबर्स पर आप 51 रुपये फ़ोनपे UPI जो भी आप करना चाहते हो, कितने दोस्तों 51 रुपये, कितने 51 रुपये आप पे कर कर स्क्रीनशॉट डाल दीजिए नंबर्स पर व्हाट्सअप का। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह सारी मटेरियल है जो भी ई बुक का, वो सारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सअप के माध्यम से, राइट। तो व्हाट्सअप नंबर पे आप जो भी UPI से आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ज़रूर डालिए, राइट। चलते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बाद में, आप चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ये तो आपका बेसिक डिस्कशन रहा, ओके। आज का टॉपिक है वो है हमारा डायग्राम ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल के बारे में आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे फर्स्ट में मैंने आज टॉपिक रखा है वो रखा है सेल का डायग्राम, राइट। सेल के डायग्राम में क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों ये सेल का डायग्राम होता है जिसमें ये लेयर जो बनी हुई है इसे कहते हैं हम सेल वाल या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, राइट। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको, क्या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और इसे सेल वाल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और दोस्तों जो इसमें ये मेंशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया जो दोस्तों सेंट्रियल्स होते हैं वो इस तरीके के पाए जाते हैं कुछ बिंदुओं के रूप में, राइट। इसके अलावा दोस्तों जो गोल्गी बॉडी है वो इस तरह की पाई जाती है इसमें सेल में, जिसको गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। और दोस्तों आपको न्यूक्लियस बता दूं मैं, न्यूक्लियस दोस्तों ये न्यूक्लियस रहा, राइट। ये न्यूक्लियस है जो कि ब्लैक आपको स्पॉट दिख रहा होगा इसमें, इसे न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है, कहीं न्यूक्लियोलस। और दोस्तों जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में जो मटेरियल है उसे क्या, किसके नाम से जाना जाता है, क्रोमेटिन के नाम से, राइट। और आपको नेक्स्ट बता दूं मैं, नेक्स्ट आपको बता दूं जो कि न्यूक्लियस है इसके दोस्तों अटैच होती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं के, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे के नाम से जाना जाता है, सेकेंड होती है वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या है फ्रेंड्स, शॉर्ट फॉर्म में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ER के टच में ही क्या होती है, ER की टेल पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब बात रही लाइसोसोम और साइटोप्लाज्म, दोस्तों जो ये न्यूक्लियस होता है इसके बीच में और सेल वॉल के बीच में जो भी तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, लिक्विड भरा रहता है, उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म में, इस लिक्विड में ही ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म भी इसी में पाई जाती है साइटोप्लाज्म में। लाइसोसोम्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये इस तरह की कुछ सेल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है उसकी तरफ, ओके। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं विद टॉपिक, यानी कि एक एक टॉपिक को हम क्लियर करके चलेंगे। एक एक टॉपिक में वन लाइन वन वर्ड क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको विद टॉपिक यानी इस टॉपिक्स में कौन कौन से MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया है। 23वां क्वेश्चन है, मैट्रिक्स और ग्राउंड सबस्टांसेस इन विच वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स आर फाउंड्स, यानी कि वह मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सबस्टांसेस जिसमें क्या है सेलुलर कंपाउंड्स या फिर सेल के कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गेनेल्स जिनको बोल सकते हैं वो क्या है, उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है। दोस्तों अभी बताया मैंने आपको उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जो क्या है एक मैट्रिक्स होता है या फिर ग्राउंड सबस्टांसेस होते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स सेल कंपाउंड्स जिसमें पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बनते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सबसे फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। कोई से भी नाम से आ जाए प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि DP प्रो एजुकेशन आपके साथ में बैठा हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पर, ओके। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखिए इसमें से क्या क्या
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको दोस्तों सबसे फर्स्ट तो देख लिया, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि क्या होती है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है दोस्तों? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल यानी जो सेलेक्टिव सबस्टांसेज होते हैं उनको ही यह अंदर आने के लिए अलाउ करती है, ठीक है, जो सेलेक्टिव सबस्टांसेज होते हैं उनको ही बाहर आने के लिए अलाउ करती है और फालतू के सबस्टांसेज को अंदर आने और जाने से रोकती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, वो बन रहा है कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कितनी लेयर्स की बनी होती है दोस्तों? वो कितनी लेयर्स की बनी होती है? वो थ्री लेयर्स की बनी होती है। कितनी? थ्री लेयर्स की बनी होती है, राइट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेल मेम्ब्रेन आज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, टू लेयर, वन लेयर, तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा उसमें? थ्री लेयर, राइट। अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन बन रहा है, वो बन रहा है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड यानी फैटी सबस्टांसेस जिनको क्या बोला जाता है? लिपिड, ठीक है, विद प्रोटीन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है दोस्तों? इसमें मोस्टली मेनली जो पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। तो ये किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्यारे बच्चों किसकी बनी होती है? तो प्यारे बच्चों किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है दोस्तों? फैटी सबस्टांसेज होते हैं। फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस या फैटी सबस्टांसेज जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और फैटी सबस्टांसेज किसको बोलते हैं दोस्तों? लिपिड्स को ही फैटी सबस्टांसेज बोला जाता है, क्योंकि लिपिड्स फैट एक ही बात है दोस्तों, क्यों? लिपिड को ही फैट बोला जाता है, राइट। और फॉस्फोलिपिड के साथ में क्या होता है? इसमें बाइंड होता है, वो होता है प्रोटीन, यानी कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन की यह सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे लिया है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? फॉस्फोलिपिड करना होगा वहाँ पे, ठीक है। क्या करना होगा? राइट आंसर फॉस्फोलिपिड, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें टॉप इंपॉर्टेंट वन टॉपिक बन रहा है, वो बन रहा है 70 एंगस्ट्रॉन्ग इन थिकनेस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है दोस्तों? थिकनेस होती है वो 70 एंगस्ट्रॉन्ग पाई जाती है, राइट। अब आता है नेक्स्ट, वो आता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? इसमें फॉस्फोलिपिड की है सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो दोस्तों फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। हेड होता है दोस्तों जिसका हेड यानी कि एक हेड मान लो और ये टेल मान लो, ओके। तो इसका हेड होता है वो तो क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, यानी कि उस पर चार्ज पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो टेल होती है इसकी फॉस्फोलिपिड की, इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता दोस्तों। जिस हेड पर चार्ज पाया जाता है वो तो वाटर लविंग होगा, यानी कि इस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई सा ना कोई सा चार्ज है दोस्तों, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। इस पर चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है ये, तो इस पर चार्ज लगा हुआ है दोस्तों, ये हाइड्रोफिलिक होगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो ये वाटर लविंग यानी वाटर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, राइट। और जो टेल होता है दोस्तों क्या? जो टेल होता है ये टेल पार्ट है, ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब तो पता होगा दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि डरना एक तरह से। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से डरना या फिर वाटर से हेटिंग, ठीक है, वाटर से घृणा करना, यानी जो टेल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग, राइट। और जो इसका हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, राइट। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे टेल है वो हाइड्रोफोबिक हो गया और हेड है वो हाइड्रोफिलिक हो गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, राइट। अब दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है, फॉस्फोलिपिड आर इन डबल लेयर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड होता है वो कैसा होता है दोस्तों? डबल लेयर होता है, यानी कि बाई लेयर होता है। इसमें फॉस्फोलिपिड की दो लेयर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में, राइट। हो गए क्वेश्चन डिस्कस, यानी कि फॉस्फोलिपिड की इसमें डबल लेयर पाई जाती है। डबल लेयर का मतलब हो गया दोस्तों बाई लेयर या फिर डबल लेयर, दोनों सेम है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग या फिर सेम है, ठीक है। अब आता है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का सबसे फर्स्ट फंक्शन हो जाता है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सेल, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और सेकंड आ जाता है वो प्रोवाइड साइटोस्केलेटल एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल्स, ठीक है। यानी कि साइटोस्केलेटल, जैसे कि अपने दोस्तों बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल जो सिस्टम है वो बॉडी को सपोर्ट या फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ऐसे ही दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के लिए साइटोस्केलेटल या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे बन के आएगा दोस्तों? आपको क्वेश्चन बन के आएगा साइटोस्केलेटल एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल्स कौन प्रोवाइड कराती है, बताओ।
विच प्रोवाइड साइटोस्केलेटल एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल्स, क्या प्रोवाइड करा दी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है टिश्यू फॉर्मेशन। अब दोस्तों ये जो लास्ट के जो मैंने रखे हैं ये दोस्तों रेयरली पाए जाते हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं। मेन फंक्शन क्या हो गया इसका, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, तो क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, और भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता एक पूछ लिया जाए तो इसका थर्ड फंक्शन हो जाए वो हो गया टिश्यू फॉर्मेशन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, टिश्यू फॉर्मेशन करती है। टिश्यू फॉर्मेशन कैसे करती है प्यारे बच्चों, टिश्यू फॉर्मेशन ऐसे करती है, सेल वॉल होती है, एक सेल होती है, ठीक है, ये एक सेल है, फिर इसकी सेल है, तो दोस्तों इसकी बॉल है वो आपस में अटैच हो जाती है, दो सेल्स तीन सेल्स यानी कि मोर देन टू सेल्स आपस में मिलकर सेल वॉल उनके अटैच होकर दोस्तों एक ग्रुप बना लेती है, जिससे क्या है टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए क्या हो गया इसका फंक्शन हो गया टिश्यू फॉर्मेशन, राइट। और दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, वो आता है कंट्रीब्यूशन टू द एंजाइम एक्टिविटी, यानी सेल वॉल क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूशन का कार्य करती है। ठीक है, एक्ट एज स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स, यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स किस, रिसेप्टर किसके लिए काम करती है दोस्तों, रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स को एक्सेप्ट करने का काम करती है, हार्मोन्स को वर्क करवाने का कार्य करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स। ठीक है, और एक परमिएबल होती है जो मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ, राइट। ये तो हो गया अपना सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, इसमें से दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेझिझक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, राइट, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जो कि इसमें रह जाए। ठीक है, सेल से कोई सा भी टॉपिक कैसे भी क्वेश्चन बन के आ जाए आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से देने होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो दोस्तों आप बच्चों के कमेंट देख सकते हो। बाकी यूपी की बीएससी नर्सिंग की क्लास चलाई गई थी, उनमें से भी दोस्तों काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंसे थे हमारे वीडियो लेक्चर्स के। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, आप भी एग्जाम दोगे तब आप भी बोलोगे सर थैंक यू सो मच, हमारे क्वेश्चंस आएंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा न्यूक्लियस। क्या है हमारा टॉपिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस आ रहा है सेकंड चैप्टर, ये किसके द्वारा खोज की गई दोस्तों, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा की गई, न्यूक्लियस की खोज की गई, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, राइट, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की, न्यूक्लियस की खोज की गई। अब इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, स्फेरिकल इन शेप, यानी न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। दोस्तों यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन मैंने उसी टाइप से आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, बिल्कुल एक एक नंबर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, राइट, इसलिए आपको मैंने ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ। डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने तो इसकी खोज की थी, और शेप में कैसा होता है दोस्तों, स्फेरिकल होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसकी लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, यानी कि सेल में दोस्तों, सेल में इतनी ऑर्गेनलीज पाई जाती है, लेकिन सेल में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, सेल के अंदर जितने भी मटेरियल है, जितने भी दोस्तों स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर किसकी होगी दोस्तों, न्यूक्लियस की। क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में डाल दिया जाता है दोस्तों, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, न्यूक्लियस, राइट। अब दोस्तों ये प्रेजेंट कहा जाता है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, जिसकी, जिससे कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं, वो आते हैं सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स के नाम से यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर या फिर सेंटर एक ही बात है दोस्तों, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, सराउंडेड बाय द डबल न्यूक्लियर लेयर, क्या दोस्तों, डबल न्यूक्लियर लेयर के द्वारा ये घिरा हुआ होता है, किसकी दोस्तों, मेम्ब्रेन होती है इसमें, डबल न्यूक्लियर लेयर होती है इसमें, सराउंडेड बाय दी, तो न्यूक्लियस की जो लेयर होती है दोस्तों, आउटर लेयर, न्यूक्लियस पर दो लेयर पाई जाती है जिनको डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, राइट, कैसी होती है दोस्तों, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब नेक्स्ट आता है, वो आता है आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यू मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने अभी दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब सेल की आपको मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस करवाई थी, कि दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वो एंड होता है, कंटिन्यू किस में हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि न्यूक्लियस की जो लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके साथ में दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके अटैच में ही यह पाई जाती है, राइट।
अब आता है नेक्स्ट, आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव न्यूमेरियस पोर विद डायमीटर ऑफ 90 nm। यानी दोस्तों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डायमीटर होता है 90 nm। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी उठा दिया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं, जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उनका डायमीटर कितना होता है। तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, 90 nm, ठीक है। nm का वो तो पता होगा दोस्तों किस मात्रक है, नैनोमीटर का, ठीक है, नैनोमीटर, nm को नैनोमीटर भी कहा जाता है, राइट। अब आता है कंटेंस डीएनए, यानी कि दोस्तों न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए, जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट उठ रहा है, कंटेंस डीएनए, यानी कि जो न्यूक्लियस में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस कंटेंस डीएनए, यानी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए, जो कि क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जेनेटिक मटेरियल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यह डीएनए कंटेंस रखता है, डीएनए अपने आप में रखता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको क्वेश्चन कैसे बन के आएगा यहाँ से, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जेनेटिक मटेरियल सेल में कौन प्रोवाइड कराता है, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन देता है बताओ दोस्तों सेल में से। तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल कौन कंटेंस रखता है, यानी विच कंटेंस जेनेटिक मटेरियल इन दी सेल, राइट आंसर न्यूक्लियस, ठीक है। आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को कौन रखता है, न्यूक्लियस, राइट। अब आता है दोस्तों कंटेंस न्यूक्लियोलस यानी क्रोमेटिन, जो कि आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों, ये तो रही इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया ये, इसको जिस किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दोस्तों इसके सेंटर में हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, जो ये दोस्तों आपको साइडों में ये दिख रहे हैं मैट्रिक्स, इसको किस नाम से जाना जाता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन का एक तरह से जाल पाया जाता है इसमें, राइट। आपको स्ट्रक्चर डिस्कस हो गई है, अब इसमें दोस्तों न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन दो पाए जाते हैं, दोनों के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, राइट, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन दिस, ऑप्शन दे दें आपको न्यूक्लियस सेल, अगर दोस्तों आपको न्यूक्लियस अगर सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो आपको फर्स्ट में आंसर क्या करना होगा, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस वहाँ पर आंसर नहीं दे रखा है और आपको सेल अगर आंसर दिख रहा है, तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, सेल, राइट। हाईली कॉइल्ड फिलामेंट्स स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है प्यारे बच्चों, हाईली कॉइल्ड फिलामेंट्स स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, न्यूमेरियस ग्रैन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है, न्यूमेरियस ग्रैन्यूल्स। दोस्तों इतना डीपली क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, बाकी इतना डीपली बहुत ही कम चांस होते हैं इतना जाने के लिए, सुपरफिशियल यानी कि ऊपर से ही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तैयारी करने से पहले, तो आपको चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़ो, चाहे कैसे भी आप पढ़ो, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट में आपको सिलेबस देखना होगा, क्या हमारे सिलेबस में है, कितना हमको डीपली पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स सिलेबस देखते नहीं है और पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चंस आते हैं तब उनको पता चलता है कि ये क्वेश्चंस तो बाहर से आए, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में से ही आया है, लेकिन हमने सिलेबस से आउट ऑफ स्टडी कर ली है, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी बच्चों के साथ में, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी अवेयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यानी न्यूक्लियस में दोस्तों आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मेनली कौन सा पाया जाता है, डीएनए, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में दोस्तों आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, राइट, किस में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में, यानी कि आरएनए का राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में भी किस में होता है, न्यूक्लियोलस में, राइट। अब आता है नेक्स्ट, आता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है दोस्तों, फाइब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, मैंने आपको अभी बताया जो फाइब्रस थ्रेड्स के रूप में यह पाए जाते हैं, ठीक है, गुच्छे के रूप में यह पाए जाते हैं, धागे के रूप में, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है दोस्तों, फाइब्रस थ्रेड होते हैं, यानी कि एक धागे के प्रकार की संरचना होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में यह संरचना पाई जाती है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। दोस्तों एक क्रोमेटिन होता है, ये मैट्रिक्स होता है क्रोमेटिन्स के, जो फाइबर थ्रेड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं दोस्तों, डीएनए एंड प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। किस किस का बना होता है क्रोमेटिन, डीएनए एंड प्रोटीन्स का यह बना होता है, राइट।
अब आता है नेक्स्ट आता है वो आता है क्रोमेटिन थ्रेड्स मे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इसमें दोस्तों न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं डीएनए, जो कि क्या है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है न्यूक्लियस में दोस्तों, क्रोमेटिन में डीएनए पाया जाता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन थ्रेड्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियस में कौन रखता है दोस्तों डीएनए को कैरी करके, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है न्यूक्लियस में भी दोस्तों, क्रोमेटिन, राइट, ठीक है। यानी कि डीएनए तो क्रोमेटिन में पाया जाता है दोस्तों, और आरएनए सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल सिंथेसिस होता है, वो कहाँ होता है दोस्तों, न्यूक्लियोलस में, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके दीजिए, आप कमेंट का आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिड कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, किस में दोस्तों, ये सेल डिवीजन के टाइम पे किस में कंडेंस हो जाता है दोस्तों, क्रोमोसोम्स में ये बदल जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 23 पेयर्स, यानी टोटल कितने हो गए 46, ठीक है, कितने 23 पेयर्स गुणसूत्र यहाँ पे पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जिन कितने हो गए 23 पेयर के दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से दोस्तों 22 पेयर तो किसके होते हैं, 22 पेयर तो होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, क्रोमोसोम्स के कितने होते हैं 22 पेयर होते हैं, जो कि कितने हो गए टोटल 44 क्रोमोसोम्स हो गए। और दोस्तों 1 पेयर होता है वो किसका होता है, हेट्रोसोम्स का होता है, यानी कि 2, ठीक है, जो कि हेट्रोसोम्स दोस्तों जो 1 पेयर होता है वो हेट्रोसोम्स का होता है, जिन्हें सेक्स सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है, इसलिए ये अलग से पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों अगर गुणसूत्र की टोटल संख्या पूछे न्यूक्लियोसोम्स की तो आपको कितने करने हैं, 23 पेयर यानी 46, ठीक है, और अगर ओनली फॉर क्रोमोसोम्स का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको 22 पेयर करना होगा, यानी कि टोटल 44, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए 1 पेयर अलग से कौन सा पाया जाता है, वो होता है हेट्रोसोम, जो कि 23वां पेयर होता है, ठीक है, हो गए ये सारे क्वेश्चन डिस्कस। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका वो आता है फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, फंक्शंस किसके पूछ रहा है दोस्तों, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस के फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, यानी दोस्तों जो भी कार्य प्रणाली होती है, इसकी कार्य करने की जो भी प्रणाली होती है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, जितने भी इसकी कार्य करने की एक्टिविटीज़ होती है सेल्स की, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है प्यारे बच्चों, वो की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा, राइट। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, आपको क्वेश्चन आ जाएगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड बाय दी, तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, न्यूक्लियस, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, राइट। अब आता है तो इसलिए दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी सेल का कंट्रोल सेंटर कौन हो गया दोस्तों, न्यूक्लियस, राइट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या हो गया, न्यूक्लियस, और प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है, वो कराता है दोस्तों न्यूक्लियस। तो आप क्वेश्चन कैसे भी आ जाए बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच का मटेरियल होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है फ्यू सौ टू फ्यू थाउजेंड्स, यानी कि कितने होते हैं दोस्तों ये साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं, फ्यू हंड्रेड दोस्तों, यहाँ पे ये टाइपिंग में तो सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हंड्रेड या फिर सौ एक ही बात है, लेकिन थोड़ा हंड्रेड अच्छा लगता है इसलिए सॉलिक नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पाए जाते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं वो सौ से और फ्यू थाउजेंड्स, यानी फ्यू हंड्रेड से फ्यू थाउजेंड्स तक इनकी संख्या पाई जाती है, राइट। अब आता है तो ये शेप किसी होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो ससेज शेप का होता है, कैसे शेप का होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया ससेज शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, कैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, ससेज शेप, ओके। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट आता है कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर्स, यानी कि कितनी लेयर्स का बना होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में लेयर होती है वो मेम्ब्रेन होती है, बाल होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कितनी लेयर्स पाई जाती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में लेयर्स पाई जाती है वो टू लेयर्स होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ डबल या फिर टू लेयर्स होता है, ठीक है, एक तो आउटर लेयर होती है एक इनर लेयर होती है, राइट। और सारी बातें मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा इसमें सारी विद स्ट्रक्चर विद इसकी दोस्तों चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सारा समझाया जाएगा, ओके, आपको आगे सारा मटेरियल बताया जाएगा। अब दोस्तों ये टू लेयर्स की बनी होती है, तो आउटर लेयर कैसी होती है दोस्तों, स्मूथ होती है। आउटर लेयर कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है। और इनर लेयर होती है वो कैसी होती है दोस्तों, फोल्डेड इनटू शीट्स,
दोस्तों इनर लेयर में होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है, फोल्डेड होती है, यानी कि वो किस तरीके से ऐसे है दोस्तों, इसमें फोल्ड्स बने होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ट्यूबुल्स कॉल्ड एज क्रिस्टी, इनर लेयर होती है दोस्तों फोल्डेड इनटू सील्स ऑफ ट्यूबुल्स, यानी ट्यूबुल्स की सीट्स की दोस्तों फोल्डेड के रूप में पाई जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। ओके, इनर लेयर में दोस्तों जो फोल्डेड ट्यूब्स पाई जाती है, फोल्डेड जो सीट्स पाई जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है, क्रिस्टी के नाम से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन छूट के आ सकता है दोस्तों, एमसीक्यू आपको क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, इनर लेयर फोल्डेड इनटू सीट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्रिस्टी के नाम से। और क्रिस्टी कैसी होती है दोस्तों, कैसी होती है क्रिस्टी की स्ट्रक्चर होती है, वो होती है फिंगर लाइक, कैसी होती है दोस्तों, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टी, कैसी होती है, फिंगर लाइक होती है, राइट। अब वॉट ऑफ दीज लेयर्स एनक्लोज ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज मैट्रिक्स, दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक तो आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, तो दोनों लेयरों के दोस्तों अंडर में दोस्तों, यानी कि दोनों लेयर होगी, दोनों लेयर्स के बीच में, कहाँ पे, दोनों लेयर्स के बीच में, यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे फ्लूड पाया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स के नाम से। बोथ दीज लेयर्स एनक्लोज, यानी कि किसको क्लोज करके लगती है, सेंट्रल कैविटी, यानी सेंट्रल में क्या पाया जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स, जिसे फ्लूड बोला जाता है, ठीक है। तो बोथ दीज लेयर्स एनक्लोज है सेंट्रल कैविटी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स, राइट, मैट्रिक्स के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज, अब आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, मैट्रिक्स हो गया, क्रिस्टी हो गया, और आपको दो तीन ऑप्शन और दिए जाएंगे। तो इनर चैम्बर होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, राइट। कंफ्यूज होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेशक आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही कि हमारे लिए एक लाइक दे के जाएँ, ताकि हम भी मोटिवेट और आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए लेक्चर्स और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का तरीका, सारी चीज़ें लेकर आ सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करके जाएं, राइट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन आर प्रेजेंट इन दी क्रिस्टी, यानी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, क्रिस्टी में, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन आर प्रेजेंट इन दी सेल, अब सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोस्तों एंजाइम्स, बताओ रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी चेन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्रिस्टी में पाए जाते हैं, राइट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, यानी कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, अल्बर्ट वान कोलीकर के द्वारा, किसके द्वारा, अल्बर्ट वान कोलीकर के द्वारा सबसे फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई, राइट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखे तो ही आपको अल्बर्ट वान कोलीकर करना है, कब की गई दोस्तों, 1857 में की गई, कब, 1857 में की गई, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई दी फिजियोलॉजिस्ट, अल्बर्ट वान कोलीकर क्या था दोस्तों, फिजियोलॉजिस्ट था, जिसने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में, सॉरी, अगर आपको क्वेश्चंस में अगर ऐसे पूछे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो ही आपको अल्बर्ट वान कोलीकर करना है। अगर आपको डायरेक्टली पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया बर डिस्कवर्ड बाई, यानी कि आपको फर्स्ट का न पूछकर आपको डायरेक्ट पूछे बर डिस्कवर्ड बाई, यानी किसके द्वारा खोज की गई, तो आपको वहाँ ऑप्शन क्या राइट करना होगा दोस्तों, रिचर्ड अल्टमैन, ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। अगर आपको ये पूछे कि फर्स्ट में किसके द्वारा की गई, तो ही आपको अल्बर्ट वान कोलीकर करना है, नहीं तो इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, रिचर्ड अल्टमैन ने, कब की थी दोस्तों, 1890 में। तो दोस्तों जो भी ये बता रखा है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो ये फर्स्ट में किसके द्वारा देखा गया दोस्तों, अल्बर्ट वान कोलीकर के द्वारा देखा गया। और दोस्तों जिसका पूरा पता लगा करके पूरी खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, नामकरण देकर किसके द्वारा क्लियर किया गया, यह सारा क्लियर किया गया रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा क्लियर किया गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर हाँ की है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, ये रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा 1890 में डिस्कवर किया गया, राइट। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका लेटर कॉइंड नेम एज बायोब्लास्ट, यानी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का बाद में दोस्तों क्या नेम दिया, बायोब्लास्ट नेम किसने दिया था दोस्तों, रिचर्ड अल्टमैन ने। तो आपको नेम यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका कि दोस्तों बायोब्लास्ट नेम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय दी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट नेम किसने दिया था दोस्तों, रिचर्ड अल्टमैन ने, कब दिया था, तो प्यारे बच्चों ये दिया था 1886 में, ठीक है। कब दिया था, वैसे दोस्तों डेट सन है ये बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है।
तो ये पूछने के कम चांस होते हैं, ज़्यादातर साइंटिस्ट के नेम ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में। ओके, तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया बायोब्लास्ट नाम है, जो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा दिया गया, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बायोब्लास्ट का लाइफ जर्म, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नेम रीनेम्ड इज गिवन बाय कार्ल बेनाडा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नेम है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया गया है वो कार्ल बेनाडा के द्वारा दिया गया, राइट। और दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पूछे कि भाई फर्स्ट में खोज किसके द्वारा की गई, तो अल्बर्ट वॉन कॉलिकर आपको करना होगा, राइट। और अगर पूछे आपको अगर डिस्कवर्ड बाय दी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय दी फर्स्ट हटा दिया गया है, तो आपको राइट आंसर करना होगा रिचर्ड अल्टमैन, ठीक है। और बायोब्लास्ट नेम किसने दिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, तक वो दिया रिचर्ड अल्टमैन ने, राइट। अब ये पूछ रहा माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया दोस्तों, नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया वो किसके द्वारा किया गया, कार्ल बेनाडा के द्वारा नाम दिया गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसके द्वारा दिया गया, कार्ल बेनाडा के द्वारा, राइट। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका वो आता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों जो मैट्रिक्स है उसे किस नाम से जाना जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। मेड अप ऑफ दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स होता है, जो इनर का जो मटेरियल होता है, अंदर का जो मटेरियल होता है, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, जिसमें क्या होता है दोस्तों 70-80% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ जाए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ, या फिर पूछ ले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाईली क्या पाए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें पाई जाती हैं प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि 60-70% होती हैं, ठीक है। 60-70% प्रोटीन्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट। और जिससे कम आता है दोस्तों वो आता है 25% फॉस्फोलिपिड्स होता है, बाकी एंजाइम्स आरएनए डीएनए राइबोसोम्स ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, रेयरली ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है, प्रोटीन, जो कि 60-70% माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, 60-70% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइट। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, थ्योरी पूरी डिस्कस कर ली है। अब दोस्तों ये दोस्तों जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको जाना जाता है स्मूथ मेम्ब्रेन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से दोस्तों, स्मूथ या फिर आउटर मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है बाहर की। और दोस्तों जो आपको ये इनर में जो ये दिख रही है इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन के नाम से, जिसमें दोस्तों ये क्रिस्टियाँ आपको शो हो रही होंगी, क्या दोस्तों, ये क्रिस्टियाँ दोस्तों जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये निकले हुए शंख से या क्रिस्टी बोला जाता है इनको, ठीक है। जो फोल्डेड इसमें बने हुए हैं इनको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है, राइट। इसमें दोस्तों डीएनए भी पाया जाता है, इसमें ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, और दोस्तों इसमें F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्या F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जिनको ऑक्सीसोम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो F1 पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे, ऑक्सीसोम्स। तो आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कभी F1 पार्टिकल्स आल्सो नॉन एच डी, यानी कि F1 पार्टिकल्स को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर राइट आंसर करना होगा आपको ऑक्सीसोम्स के नाम से, ठीक है, क्या ऑक्सीसोम्स के नाम से। अब दोस्तों इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, क्या मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, जो कि इनर का जो फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, राइट। मैट्रिक्स अलावा दोस्तों इसमें क्रिस्टी क्या होती है वो बता दें आपको, क्रिस्टी दोस्तों जो इनर ये फोल्डेड जो हैं, क्या जो ये फोल्डेड बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों, क्या ये फोल्डेड हैं, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की साइड निकले हुए हैं, इनको क्रिस्टी बोला जाता है, क्या क्रिस्टी, ठीक है। इनर फोल्डेड्स को क्या, क्रिस्टी, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, राइट। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी दोस्तों एक आपकी क्लास और लगेगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका सेल वाला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेल में से तो आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएँ आपको बिल्कुल राइट क्लियरली जवाब देंगे आप, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो DB प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर आप आसानी से तैयारी कीजिए दोस्तों, DB प्रो एजुकेशन आपको अपना बेस्ट देकर दोस्तों प्रिपरेशन करवाएगा, DB प्रो एजुकेशन पूरे बेस्ट देकर, अपना ऑल दी बेस्ट देकर आपको प्रिपरेशन करवा रहा है दोस्तों। आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना 100% दें, अपना भी ऑल दी बेस्ट दें, ठीक है। तब जो कि दोस्तों हम आपको ऑल दी बेस्ट देंगे, पूरा 100% देंगे, आप अपना 100% देंगे, तब जाकर आपका सलेक्शन हो पाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बने रहना DB प्रो एजुकेशन के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद जय भारत, राइट।